भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी के आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। आईसीसी के मुताबिक किसी इंटरनेशनल मैच में अनावश्यक अपील के नियम का उल्लंघन करने पर कोहली पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि भी कर दी है। आईसीसी का कहना है कि कोहली को आचार संहिता के उल्लंघन का लेवल 1 का दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि कोहली अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबला खेल रहे थे। इस मैच को भारत ने 11 रन से जीत लिया। आईसीसी के बयान के मुताबिक कोहली ने अफगान पारी के 29वें ओवर में अंपायर अलीम डार के पास जाकर आक्रामक और गलत तरीके से LBW की अपील की थी। हालांकि कोहली ने अपनी गलती मान ली है और जुर्माना भी स्वीकार कर लिया है। इसी कारण इस मामले को लेकर आगे की सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा ICC ने इस घटना को लेकर कोहली के खाते में एक डीमेरिट अंक जोड़ दिया है। सितंबर 2016 में रिवाइज्ड कोड के लागू होने के बाद से कोहली की ये दूसरी गलती है, यानी कि कोहली के खाते में अब 2 डीमेरिट अंक है। लेकिन इसका खामियाजा विराट कोहली ने भुगत लिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपना जवाब हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।